हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा टाइप ऑफ सॉरी टर्मिनोलॉजी इन कनेक्शन के बारे में, टर्मिनोलॉजी इन कनेक्शन के बारे में। तो इसके बारे में इसके बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है, या ऐसे मानिए कि कुछ चीजें आपको बताई जा रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। सो अगर आप लोगों को यूट्यूब पे अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, हालांकि सब कुछ यहाँ पे फ्री है, बट यू आर गेटिंग समथिंग की बेटर की आपको जो मैटर मिल रहा है, जो आपको चीजें बताई जा रही है, अगर वो आपको सही लग रही है, तो इससे बेटर तरीके से जो है आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा। इससे कहीं ज्यादा बेटर तरीके से आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर, माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर, राइट। एंड आई कंप्लीटेड माई एम टेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास, आई कंप्लीटेड माई एम टेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन स्ट्रक्चर, और स्पेशली मेरा जो रहा है वो स्टील स्ट्रक्चर में ही एम टेक रहा है, यानी कि थीसिस हुआ है मेरा। सो आप लोग मुझसे स्टील से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है पूछ सकते हैं। आई हैव 6+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड डीएससी, गेट एंड डीएससी। जनरली आई एम डीलिंग द स्ट्रक्चर पार्ट, जनरली आई एम डीलिंग द स्ट्रक्चर पार्ट मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ये पांचों सब्जेक्ट जनरली मैं डील करता हूँ, ठीक है, और पढ़ाने का तरीका आप लोग देख चुके हैं। फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको प्लस पे आना है, तब आप लोग जो है BL20 कोड यूज करेंगे। BL20 कोड ये आपको माइंड में बिठा लेना कि आपको जो कोड यूज करना है वो BL20 यूज करना है, ठीक है ना। तो अब अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे? अनअकैडमी प्लस पे एक तो डेली लाइव क्लासेस होगी, डेली लाइव क्लासेस होगी, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में फील करते हो कि आपको क्लास शेड्यूल पहले बता दिया जाएगा कि फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास कब होगी, कब आपका क्विज होगा, कब आपको क्या सब टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सब कुछ प्री प्लान रहता है, पूरा सिस्टमेटिक रहता है, ठीक है। क्रेश कोर्स डिजाइन किया जाता है उन बच्चों के लिए जिनको जॉब की वजह से रेगुलर क्लासेज नहीं कर पाते। आरआईबी बैच भी ये बहुत अच्छा बैच है जिसके अंदर हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज के टाइम में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जिन्होंने पहले से कोचिंग कर रखी है, 1 या 2 साल या 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा। तो सिलेक्शन नहीं होने का सीधा एक ही कारण है, वो है कि उन्होंने अच्छे से कंसेप्चुअल प्रैक्टिस नहीं करा है। तो आरआईबी बेच में हम लोग जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं डिफरेंट वेराइटी के, और वो भी कंसेप्चुअल बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है और वीकली टेस्ट रहते हैं, वीकली टेस्ट रहते हैं, यानी कि हर वीक के अंदर जो आपको जितना मैटर बताया गया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और गेट एंड डीएससी जो है वो सेलेक्ट करना है, और गेट क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन, क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन, और आपको जो प्लान सेलेक्ट करना है, आपको जो प्लान सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है 12 मंथ और 24 मंथ में से। दीज टू आर रियली प्लान विच इज सुट फॉर यू। ऐसा मत सोचिए कि मैं 1 महीने का ले लेता हूँ, 2 महीने ले लेता हूँ, 3 महीने या 6 महीने का ले लेता हूँ। गेट एग्जाम तो जनवरी में या फेब्रुअरी में होना है। तो आप लोग अपने लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को इतना आसान भी या इतना लाइटली मत लीजिए। जहाँ सब लोग तैयारी करने में लगे हैं, तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर मान लो 1 लाख लोग अगर बच्चे 1 लाख कैंडिडेट अगर अपियर होते हैं, तो उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? सिलेक्शन होता है हार्डली 2 या 3 हजार बच्चों का। एमटेक में एडमिशन करने चले जाते हैं या इधर को ये जो चले जाते हैं, वो भी अगर आप मिला दो 4 या 4.5 हजार जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन रहता है। बाकी जो 95,000 बच्चे हैं वो दोबारा रिपीट होते हैं, उनमें से कई बच्चों की रैंक अच्छी भी रहती है, और रैंक अच्छी होने का मतलब है उस बंदे को सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। आप उस बंदों को भी आपको हनाना है, उन बंदों से आगे निकलना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने का लेके सब कुछ कर लूंगा, देन ये आप लोगों के लिए सूट नहीं करेगा, राइट। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। 6 महीने का फीस है 20,000, 1 साल का फीस है 25,000,
दो साल का फीस है 30,000। फीस में डिफरेंस अगर आप देख रहे हो तो 5,000 पे करने पे पूरा एक साल मिल रहा है, फिर 5,000 एक्स्ट्रा पे करने पे दो साल का मिल रहा है। और रियल में अगर अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं आपकी जगह रहता हूँ तो मैं 24 मंथ वाला ही सिलेक्ट करूंगा। इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण क्या है कि मुझे अगर रियल में सिलेक्शन लेना है ना, रियल में सिलेक्शन लेना है तो मुझे ये पता है कि अगर मैं ESC की बात करता हूँ, अगर मैं ESC की बात करता हूँ तो ESC 2021 के अंदर अगर मैं पेपर दे इसकी तैयारी करना चाहता हूँ तो इसका जो प्री होगा वो जनवरी में हो जाना है, ठीक है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो मार्च या अप्रैल में आता है, मार्च या अप्रैल में आएगा। इसका मेंस जो होगा, इसका मेंस जो होगा वो मेंस हो जाएगा तुम्हारे पास जून या जुलाई में 2021 में। यानी कि अगर मैंने अभी अगर मैंने अगस्त के अंदर एक साल का प्लान लेता हूं तो एक साल का प्लान तो मेरा यहाँ मेंस होने से पहले या उस वहां तक खत्म हो जाएगा। तो ये तो मुझे किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है ना, मुझे तो पूरा चाहिए। जब तक मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता तब तक मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से सब्जेक्ट के टच में रहूं, कहीं इधर उधर मुझे जाना ना पड़े। सिंगल मेरा रूम है और मैं हूँ और मुझे हर तरीके से पढ़ना है। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है दिसंबर में और वो भी 2021 में आएगा। इसका जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू हो जाएगा तुम्हारे पास फेब या मार्च के अंदर 2022 में। यानी कि आपको रियल में अगर ESC की तैयारी करना है और आप सच में चाहते हैं कि मैं पोस्टिंग लूं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट बनता है देन चूज दिस प्लान। तब आप लोगों को जो प्लान लेना है वो प्लान आपको लेना है 2 ईयर का प्लान। और 2 ईयर के प्लान के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ रहा है। यार कुछ सोचो, 30,000 फीस है। अगर आपने मेरा कोड यूज कर लिया, BL20 कोड अगर यूज कर लिया तो आपका जो फीस है वो 27,000 हो गया, 27,000 हो गया। और 27,000 को अगर आप जो है 24 मंथ से डिवाइड करते हैं तो एक महीने का जो फीस आ रहा है ना, 1 मंथ का जो फीस आ रहा है वो 1 मंथ का फीस आ जाता है 1125 ओनली, 1,125 रुपए। इससे ज्यादा तो आप जो है 5 क्लास के बच्चे की ट्यूशन फीस हो जाती है एक महीने की। और आप इस फीस के अंदर ESC का तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट सोच के देखिए, देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग की तैयारी आप ओनली 1125 पेमेंट करके कर रहे हैं, 1125 रुपए। थोड़ा दिमाग लगाइए। अच्छा, इसके अंदर आपको और क्या क्या बेनिफिट है? और जो बेनिफिट है वो क्या है, एक तो आपको प्री की तैयारी के अंदर दो चीजें होती है, एक पेपर वन होता है और एक पेपर टू। पेपर वन में आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे 10 सब्जेक्ट एड किए हुए हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट के अंदर ऐसा रहता है कई बार कि ये इसके अंदर GK भी है, GS भी है और ड्राइंग भी है। ये ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ा दिया मैटर खत्म और आप लोग समझ लेंगे और कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको उसको क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। तो ये 10 के 10 सब्जेक्ट भी इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। और आप इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पता है कि इसको कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करना जरूरी है, ये 100% रिक्वायरमेंट है। तो ये आप यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। पेपर टू पूरा टेक्निकल आप यहाँ पे कर सकते हैं, मेंस का तैयारी आप इसी फीस के अंदर कर सकते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस आप इसी फीस के अंदर कर सकते हैं। ये इतना फायदा है 27,000 ओनली फीस पे करने से। और ये कोई आपको वो नहीं बनाया जा रहा कि आप इसको करिए बाद में कोई आपको साथ नहीं देगा। आप खुद सोचिए कि आपके पास में 27,000 पे करने से इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एजुकेटर जो हैं उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक सब्जेक्ट जो है आप किसी एक फैकल्टी से पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है आपके साथ में, या आप लोग उनसे नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप अपना फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट के यहाँ पे 5-5, 10-10 फैकल्टी हैं और वो सारे के सारे अपने फील्ड के अंदर धुरंधर हैं। किसी की ट्यूनिंग, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, बट द पार्ट इज दैट कि उनको नॉलेज है। आप लोग ये सोच के देखिए, ये तो ESC का फायदा हो गया। अच्छा, इसके लिए हम जानते हैं ESC के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, वो भी सब कुछ इसी के अंदर है। आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। एक तो फायदा ये हो गया कि 27,000 के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा आते हैं गेट के लिए बात करें, तो भाई गेट 2021 तो आप वैसे दे सकते हो अगर अभी आप प्लान लेते हो तो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे गेट 2021 में जो रैंक बनी है वो मान लीजिए 250 बनी,
और आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिली। मनचाही पोस्ट का मतलब है कि आपको, मान लो ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये मैं इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए आपको गेट 2021 देना है और गेट 2021 में आपकी रैंक मान लो 250 बनी और आपको मनचाही कंपनी नहीं मिली, तब क्या होगा? तब आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर गेट 2022 भी आप इसी फीस में दे सकते हो, इसी फीस में दे सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है, अगर आप अगस्त अभी आप लेते हैं, इसी महीने अगर आप लेते हैं तो अगस्त 2022 से लेके 2020 से लेके अगस्त 2022 तक रहेगा, तो आप दो बार जो है आप इसके अंदर गेट का पेपर दे सकते हैं और अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। ये फायदा होगा। इसके अलावा और भी क्या फायदे हैं, इसके अलावा आप देख रहे हो भी हर स्टेट का अपना एक पीएसयू एग्जाम निकल रहा है, हर स्टेट का अपना एग्जाम हो रहा है। तो उस एग्जाम के लिए भी, एएन के एग्जाम के लिए, स्पेशली एएन के एग्जाम के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि उसका जो लेवल होता है वो लेवल कहीं ना कहीं ईएससी या ईएससी के लेवल को टच करता है। ईएससी के लेवल को टच करने का मतलब है कि वो ईएससी के क्वेश्चन कॉपी करते हैं। मेंस में आप सब अच्छे से जानते हो कि मेंस के अंदर ईएससी के क्वेश्चन ही कॉपी रहते हैं, तो ये आप सारे पीएसयूज के एग्जाम भी आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जा सोचिए कि आपको अगर ओनली 27,000 में अगर ये आपको सब कुछ इतना मिल रहा है तो ये कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। आपको बस एडमिशन लेना है BL20 कोड को यूज करते हुए। तो फिर यहाँ पे कोई ये पूछ सकता है कि सर मैं आपका कोड क्यों यूज करूं। तो भाई मेरा कोड अगर यूज करते हो तो आपको जो एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट जो मिलेगा वो ये मिलेगा, अगर आपने मेरा कोड यूज किया है तो एक तो आपको जो सब्जेक्ट आपको सिखाया जाएगा उस सब्जेक्ट में डेली प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो मैं प्लस के ऊपर अभी दे रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसके पास में इधर उधर बुक्स ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े कि इससे देखूं, इससे क्वेश्चन ढूंढू, ऑनलाइन क्वेश्चन करने की कोशिश करूं, कुछ नहीं करना है, क्लास में आना है, बैठना है, सीखना है और क्लास में क्वेश्चन के आंसर देना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, तो कंसेप्ट 100% बनेगा। सरप्राइज टेस्ट में कभी ले सकता हूं, मैंने आज ही अनाउंस किया है कि इसके लिए आपको तैयार रहना है, राइट। अगर किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कोई चीज ऐसी है जो थोड़ी टिपिकल होती है, स्टिल आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो होते हैं वो डीपली रहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे रहते हैं, तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर उसको लग रहा, अगर मुझे लग रहा है कि इसको 15 मिनट या 20 मिनट में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास डिजाइन कर सकता हूँ जो कि फ्री होता है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, जैसे इसी बेस में बता दूं, इसके अंदर, इस क्लास के अंदर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेवल अच्छा है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो ओनली फ्री वाले पार्ट में क्यों घूम रहे हैं। जिन बच्चों का लेवल अच्छा नहीं होता है वो चलो ठीक है, इधर उधर घूमते हैं, फ्री के अंदर बैठे हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, उनका समझ में आता है, लेकिन इस क्लास के अंदर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लेवल अच्छा है। इवन आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग विद देयर लाइफ, क्यों अपने लाइफ के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए दोस्तों। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए पर्सनल गाइडेंस भी किया जाता है, क्योंकि कई सारे बंदे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये उनको डायरेक्शन दी जाती है कि बेटा आप इस तरीके से मेहनत करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा BL20 कोड यूज करने से, ठीक है ना। बस आपको जो नंबर याद रखना है, एक तो कोड याद रखना BL20, दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम रहता है, कुछ बात करनी है, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। दिस इज माई नंबर 9660542113113। सर PSU के लिए गेट में कितने मार्क्स होने चाहिए? PSU के लिए अगर आप गेट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अंडर 200 रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ये 200 रैंक के अंदर होना चाहिए, तभी आप सोचिए कि आपको गेट का जो है वो मिल जाएगा, आपको गेट के थ्रू पोस्टिंग मिलेगी।
सर ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। मनीष कुमार, बहुत प्यारा क्वेश्चन उठाया इसने, बहुत प्यारा क्वेश्चन उठाया। आज के टाइम में 50% या 70% बच्चे सिर्फ इसीलिए ऑनलाइन एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि सर उतना मजा उतना इफेक्टिव नहीं होता है। यार एक बात बताओ, यार एक बात बताओ, सिंपल सोचो तुम, अभी अगर जिस टाइम तुम बैठे हो अभी, इस साल आप अच्छे से जानते हो ऑफलाइन कोई कोचिंग ओपन नहीं होना है कोरोना की वजह से, अगर ओपन हो भी गया तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये भी आप जानते हो। कोर्स को कंप्लीट कराने के चक्कर में वो इतना नहीं बैठेगा। अब आप ये सोचो, इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रहा कि तुम उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। आप जब मानो, अगर आप ये सोचो कि आप किसी भी क्लास पे जा रहे हो और क्लास के अंदर आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो फैकल्टी में इतना दम रहता है कि वो आपको 1 घंटे तक इधर से उधर नहीं घूमने देगा, इधर से उधर नहीं घूमने देगा। तो थोड़ा इस चीज के बारे में सोचो, थोड़ा इस चीज के बारे में सोचो कि जब तुम इंटरेक्शन करते हो, मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। और इंटरेक्शन जिस दिन होने लग जाएगा, उस दिन जो है आप लोगों को जो है वो अच्छा मजा आने लग जाएगा। आप एक बार एक कोशिश करिए, चाहे मेरे प्लस पे जो बच्चे मेरे प्लस की क्लास में जो स्टील के अंदर आ रहे हैं, कोई भी जो बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है, उस बच्चे को एक बार आप बात करिए। वो बच्चा अगर आपको बोल देंगे स्टील में मजा नहीं आ रहा है या ऑफलाइन वाली फीलिंग से कहीं ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप जो बोले वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक पॉइंट सोच के देखिए कि क्लास के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 10 बच्चे थे, ओनली 10 स्टूडेंट। राइट नाउ प्लस की क्लास के अंदर जो है वो 30 के पास स्टूडेंट हो गए, 30 प्लस स्टूडेंट हो रहे हैं, और हर रोज क्लास में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं मुझे जो मैटर देना हो रहा है उसको मैं स्लोली कर रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका नुकसान ना हो ज्यादा। आप इस चीज को समझो कि उन बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनके फ्रेंड जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको इतना अच्छा फील हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि सर इतना मजा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। आप लोग जब यूट्यूब पे अगर मेरे सब्जेक्ट को इतना अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर गेटिंग समथिंग न्यू एंड बड़ा मजा आया, तो आप सोचो यार जब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, तो जिस दिन अगर आप इंटरेक्शन वाली चीज कर लोगे तो आपको मैं मान के चलिए कि कभी आपको ये स्टील के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और जिस बंदे को स्टील बनता है उसको सोम भी बनता है, स्ट्रक्चर भी बनता है, मैकेनिक्स भी आएगी। ये मेरी क्लास का है, यानी कि अगर आप मेरी क्लास में तो आपको बनेगा ही बनेगा, ये मेरा इसमें रहता है। तो एक बार आप जो है देखिए, ये सारे माइंडसेट जो भी हैं, जिनको भी लग रहा है कि सर ऑफलाइन वाला फीलिंग नहीं आ रहा या इफेक्टिव नहीं होता है, आप लोग मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं है दोस्त कि ऑनलाइन में मजा नहीं आता। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ के बारे में सोचना है। एग्जाम जो होना है, गेट का एग्जाम फाइनल डेट आ चुकी है, ईएससी अपने डेट पे होगा, और आप अभी भी अगर ये सोच में पड़े कि यार ऑनलाइन में मजा नहीं आएगा, तो ऑफलाइन के अंदर तो वैसे भी अभी इस साल होना नहीं है, तो क्या करोगे, पेपर नहीं दोगे? सोचो यार, तुम्हारी लाइफ है और तुम ये जानते हो, अभी मैंने जो बताया ईएससी 2021 देते हैं ना, तो उसका जो पोस्टिंग आएगा, इंटरव्यू हो रहा है फेब्रुअरी में, इंटरव्यू इसका रिजल्ट आएगा जून के लगभग, और पोस्टिंग आती है अक्टूबर 2022 में। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं 2021 का पेपर दे रहा हूं तो पोस्टिंग मिलेगी 22 के अंदर। अगर इस साल पेपर ही नहीं दिया या लाइटली ले लिया, अपनी लाइफ को खेल लिया कि चलो छोड़े बाद में कर लेंगे, तो 2023-24 में चले जाओगे, तब तक क्या घूमते रहोगे क्या ऐसे ही? थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी आपको लग रहा है कि सर अभी भी मन में है कि नहीं कर पाएंगे या कुछ है, तो आप इस नंबर पे एक बार बात करो एज ए फ्रेंडली, और जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं वो सारे जो है वो डिस्कस करो। अपनी ही सोच को लेके मत बैठो, हम जो आपके लिए गुरु हैं वो आपकी लाइफ के लिए ही बोल रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए ही बोल रहे हैं। आप इस कोड को यूज करें ना करें, किसी और का यूज करें, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। जिससे आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको सीख रहा है, जिससे जिस जिस फैकल्टी से पढ़ने से आपका दिमाग वर्क करना शुरू कर रहा है, आप उसका कोड यूज करिए, क्योंकि एग्जाम में उतना ही कर पाओगे जितना इसने सीखा है, जितना इसने सीखा है, ये आप माइंड में बिठा लेना। और मेरी क्लास में पढ़ाई से ज्यादा सिखाने पे ज्यादा फोकस रहता है, सिखाने पे ज्यादा, क्योंकि सीखी हुई चीजें कभी नहीं भूली जाती। और जो टॉप करता है एग्जाम को, वो एक ही चीज बोलता है, कंसेप्ट को सीखिए,
कंसेप्ट की प्रैक्टिस करिए। चलिए तो इतना ही सही है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग अब प्लस के ऊपर जो है वो वोल्टेज कनेक्शन शुरू करने वाले हैं, तो कल की क्लास में या परसों से वोल्टेज कनेक्शन शुरू होगा राइट। तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास में जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट बनता है वो प्लस के ऊपर मुझे दिखाई दें, ताकि उनके लिए जो रिमेनिंग पोर्शन अभी हो चुका है उनके लिए मैं अलग से कुछ प्लान कर सकूं और उनको एकदम मतलब अच्छे से उसको सब्जेक्ट करवा सकूं राइट। तो ये हो जाएगा आपको एडमिशन लेने के लिए जो कोड याद रखना है, वो याद रखना BL20 ठीक है। चलिए ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, उतना सर शॉर्ट नो। हाँ जी मनीष, आपको आंसर मिल गया होगा, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मनीष एक बार आप मुझसे बात कर लेना, आई विल आंसर दैट। एंड एवरीवन एनीवन, आप में से कोई भी मुझसे बात कर सकता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम पिच को लेके। हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि भी मैक्सिमम पिच देते ही क्यों है, तो उसको लेके हमने सारा जो है वो क्लास के अंदर बता दिया था कि क्या क्या ये होता है राइट। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम पिच हमने टेंशन मेंबर के लिए देखा था, मिनिमम टेंशन मेंबर के लिए क्या होता है, ये 16T और 200mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्रेसर मेंबर के लिए हमने देखा था 12T और 200mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमने टेंशन और कंप्रेसर मेंबर के लिए देखा था। फिर बाद में हमने डिस्कशन भी किया था कि भाई टेंशन मेंबर के लिए ये वाली वैल्यू ज्यादा क्यों और कंप्रेशन मेंबर के लिए वैल्यू कम क्यों, ये हमने डिस्कशन भी किया था। तो डिस्कशन हमने क्या देखा था कि भाई जब हम टेंशन मेंबर लेते कंप्रेशन मेंबर लेते हैं तो कंप्रेशन मेंबर में अगर एक रिवेट और दूसरे रिवेट में स्पेसिंग अगर एक लिमिट से ज्यादा दे दूं, लिमिट का मतलब मैक्सिमम से अगर ज्यादा दे दूं, यानी कि मैंने रिवेट यहां और यहां लगा दिया, तो जब कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो ये पोर्शन क्या कर सकता है, ये पोर्शन ऐसे बकल कर सकता है। तो ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है इस रिवेट से इस रिवेट के बीच का पोर्शन। तो ये हमने लिखा था टू प्रिवेंट दिस लोकल बकलिंग, ओनली ये वाला पोर्शन बकल कर रहा है, बाकी ये और ये नहीं हो रहे हैं, ओनली ये वाला पोर्शन। तो टू प्रिवेंट दिस लोकल बकलिंग ऑफ मेंबर बिटवीन द बोल्ट, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया देते हैं। उसके बाद में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये था कि भाई ये 200 क्यों लिखा है, इसका क्या मीनिंग है। तो 200 इसलिए लिखा जाता है, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटिंग स्पेसिंग फॉर द टेंशन मेंबर बिटवीन बोल्ट्स। तो उसके लिए हमने देखा था कि टेंशन मेंबर के लिए जो कंडीशन दी जाती है 16T और 200mm दोनों में से जो मिनिमम होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास में 200 एक लिमिटिंग है, चाहे 200 से ज्यादा कुछ भी आ जाए तो भी हम लोग 200 से ज्यादा कभी नहीं देंगे। 200 ज्यादा कुछ भी आ जाए हम 200 से ज्यादा कभी नहीं देंगे, यानी कि 200 मैंने वहां पे क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग स्पेसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप फॉर्मुलेशन लिखते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर उस फॉर्मुलेशन की कंडीशन में एक न्यूमेरिक डिजिट लिखा है तो वो न्यूमेरिक डिजिट उस फॉर्मुलेशन का एक लिमिट है। वो न्यूमेरिक डिजिट उस फॉर्मुलेशन का क्या है, एक लिमिट है कि इससे ज्यादा कम जो भी लिखा है वो उससे नहीं होगा। एवरीवन गॉट इट। चलिए तो ये पॉइंट हो जाएगा जो आगे हम देखते हैं। अब ये यहां से शुरू करते हैं, यहाँ पे आ गया सर लोकल बकलिंग, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। रोहित लोकल बकलिंग को आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास में ये कोई एक प्लेट है, दैट इज द प्लेट वन, ये कोई एक प्लेट है और ये एक हो जाएगा दूसरा प्लेट,
दैट इज द प्लेट टू। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी, राइट। एक मेंबर में बना देता हूँ कुछ ऐसे, लाइक दिस, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में चैनल आई सेक्शन, ये हो जाएगा आई सेक्शन, समझो इस चीज को। ये तुम्हारे पास में सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन बना हुआ है। जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया पी, एक काम करते हैं, फोर्स का नेचर चेंज कर देते हैं, टेंशन की बजाय इसके अंदर क्या कर देते हैं, कंप्रेशन कर देते हैं। जब मैं कंप्रेशन फोर्स लगाऊंगा तो मान लो यहाँ पे मैंने रिवेट लगाया, तो रिवेट लगाने से अगर, अब देखना रोहित सब लोग ध्यान दो, अगर मैं कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूँ, कंप्रेशन फोर्स लगाने से अगर ये मेंबर पूरा का पूरा ऐसे बकल कर जाए, ये पूरा का पूरा ऐसे बेंड कर जाए, तो उसको बोलेंगे बकलिंग फेलियर होगा, लोकल नहीं होगा, पूरा का पूरा ज्वाइंट क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, बकल करके पूरा का पूरा ज्वाइंट, तो ये कहलाता है तुम्हारे पास ओवरऑल फेलियर। लेकिन हम क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम क्या कह रहे हैं कि भाई पूरा कनेक्शन अपनी जगह है। ओनली ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, बकल कर रहा है। दिस पोर्शन ओनली क्या कर रहा है, बकल कर रहा है। बाकी पूरा जॉइंट अपनी जगह पे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ओनली लोकल फेलियर हुआ है, ये कहलाता है लोकल फेलियर। और फेलियर का जो यहाँ पे नेचर है वो हो जाएगा बकलिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फेलियर का जो नेचर है वो क्या है, बकलिंग फेलियर है। पूरा मेंबर, पूरा कनेक्शन अपनी जगह है, ओनली कुछ पोर्शन उसका क्या हुआ, वो फेल हो गया। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास के अंदर एक जो है वो आई सेक्शन दिया है। आई सेक्शन पे जब लोड लगता है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरा का पूरा आई सेक्शन ऐसे बेंड हो, तो मैं इसके अंदर WL²/8 बेंडिंग में लिख देता हूँ। लेकिन जब मैं ये लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये वाला जो ओवरहैंग बना है, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है। तो ऐसे बेंड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लोकल फेलियर ऑफ फ्लेंज। बाकी पूरा सेक्शन अपनी जगह है, ओनली ये वाला पोर्शन फेल हुआ है, इसको बोलते हैं लोकल फेलियर। तो ये फ्लेंज का लोकल फेलियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जब आप इस सेक्शन पे देखते हो तो यहाँ पे आपने क्या दिया, सपोर्ट दिया, और इस सपोर्ट पे जो आई सेक्शन इतना आ रहा है, बाकी उधर है। जब यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, सपोर्ट के ऊपर क्या होगा, रिएक्शन आएगी इस लोड की वजह से। तो ओनली अगर ये वाला पोर्शन बकल कर जाए, बाकी वेव अपनी जगह पे रहे, तो इसको बोला जाता है लोकल फेलियर ऑफ वेव। ठीक है रोहित, सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि लोकल फेलियर का मतलब है पूरा सेक्शन फेल नहीं होना, कोई भी एक कंपोनेंट सेक्शन का फेल होना। ठीक है, चलिए, तो ये कहलाता है लोकल फेलियर, मेंबर पूरा फेल नहीं हुआ। सुमित कुमार गुप्ता, सर ओवरऑल बकलिंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, कनेक्शन के अंदर कभी नहीं होगा ऐसा। कनेक्शन में ओवरऑल फेलियर कभी नहीं होगा, नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पिच के अंदर हमने कंडीशन देखी थी, पहला हो गया टेंशन मेंबर, दूसरा हो गया कंप्रेशन मेंबर। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड पॉइंट, और इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं, वेयर द
Rivets are staggered at equal interval and gauge length does not exceed 75 mm. Then maximum pitch specified in case 1 and case 2 are increased by 50%. यानी कि केस वन के अंदर क्या है, केस वन के अंदर जो है वो आपको मिलेगा केस वन, यानी केस वन का मतलब क्या हुआ, केस वन का मतलब ये टेंशन मेंबर, तो इसमें जो वैल्यू लिखा है वो 50% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका 50% कितना होगा, 16T का 50% 80 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो टेंशन मेंबर के लिए इसके लिए हो जाएगा, टेंशन मेंबर के लिए हो जाएगा should not more than minimum of 240 or 300 mm, ठीक है। केस टू के अंदर क्या था, कंप्रेशन मेंबर, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर के लिए हो जाएगा should not more than minimum of 12T का 50% इंक्रीज कर देते हैं, तो 18T और 300 mm, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये कंडीशन स्पेसिफिक है, राइट। तो वेयर द रिवेट्स आर स्टेगर्ड एट द इक्वल इंटरवल एंड गेज लेंथ डज नॉट एक्सीड 75 mm, द मैक्सिमम पिच स्पेसिफाइड इन केस 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों के अंदर जो वैल्यू दे रखी है 50% इंक्रीज होके हो जाएगी। तो दैट इज द वन। इसमें कोई डाउट हो बताओ किसी को भी, एनी वन ऑफ यू कोई डाउट हो बताइए इसमें किसी को भी। चलिए कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट हो जाएगा गेज लेंथ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गेज लेंथ जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, देखो इधर पहले डायग्राम में समझ लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एक लाइन ऑफ बोल्ट, ये हो जाएगा लाइन या बोल्ट या रिवेट कुछ भी हो सकता है, दोनों के लिए कॉमन है। ये हो जाएगा दूसरी लाइन ऑफ बोल्ट, तो दो लाइन ऑफ बोल्ट के बीच में कितना मैं वर्टिकल डिस्टेंस दूं वो कहलाता है गेज लेंथ, वो क्या कहलाता है गेज लेंथ। और ये फोर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, फोर्स के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज द फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, पिच जो होता है फोर्स के पैरेलल होगा। तो इसमें दिया जाएगा इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रिवेट्स ऑफ एडजेसेंट रोज दो रो के बीच में एंड इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, यानी कि राइट एंगल के अंदर दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, गेज लेंथ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, गेज लेंथ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द गेज लेंथ और गेज लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है जी के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमम गेज लेंथ जो दिया जाता है वो दिया जाता है शुड बी ग्रेटर देन 2.5 into नॉमिनल डाया, यानी कि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मिनिमम गेज लेंथ बराबर होता है मिनिमम पिच लेंथ के। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मिनिमम गेज लेंथ और मिनिमम पिच लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि 2.5 into नॉमिनल डाया। नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम गेज लेंथ के लिए जो क्राइटेरिया दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंशन और कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या रहेगा, ये वैलिड होता है, यानी कि दोनों के लिए एक ही कंडीशन है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, राइट। चलिए, सो ये प्रोविजंस जो है वो सारे पेपर में आते हैं, ये सारे। नेक्स्ट हो जाएगा एंड और एज लेंथ, ये हो जाएगा एंड और एज लेंथ, राइट। तो एज डिस्टेंस क्या दिया जाता है, कुछ ऐसे, ये तुम्हारे पास में जॉइंट है,
तो यहाँ इसको बोलते हैं एज, इसको बोलते हैं एज, राइट। और यहाँ पे मेंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यहाँ पे मेंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो यहाँ पे मेंबर एंड हो रहा है और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एज होगी, यहाँ से एज होगी, ये हो जाएगा एज ऑफ मेंबर, ये हो जाएगा एज ऑफ मेंबर, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ऑफ मेंबर, एंड ऑफ मेंबर, ठीक है ना। तो फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एज ऑफ मेंबर से फर्स्ट लाइन ऑफ बोल्ट, तुम फर्स्ट लाइन ऑफ बोल्ट या रिवेट कहाँ लगाओगे, इस एज से, इस एज ऑफ मेंबर से, तो उसको बोला गया है, उसको बोला गया है एज लेंथ। इसको क्या बोला गया, एज लेंथ। एज ऑफ मेंबर से आप फर्स्ट लाइन ऑफ बोल्ट कितना डिस्टेंस पे लगाओगे, यानी कि उसके लिए वैल्यू कितना होगा, तो वो आपको ध्यान देना होगा किसके लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, जहां पे मेंबर एंड हो रहा है, मेंबर एंड हो रहा है, उससे पहला पहला लाइन ऑफ बोल्ट आप कहाँ लगाओगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास में एंड डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, ये हो जाएगा एंड डिस्टेंस, ये हो जाएगा एज डिस्टेंस। एज, एज डिस्टेंस जो होता है फोर्स के क्या है, एज डिस्टेंस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर। और एंड डिस्टेंस क्या है, फोर्स के क्या है, पैरेलल। एंड, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स के पैरेलल होगा, फोर्स के पैरेलल होगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन एंड और एज डिस्टेंस, एंड और एज डिस्टेंस दोनों ही दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं है, दोनों ही दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं है, राइट। ये जो डिस्टेंस है वो एज ऑफ एलिमेंट या एंड ऑफ एलिमेंट, जहां पे मेंबर खत्म हो रहा है और जहां पे एज आ रही है उससे फर्स्ट लाइन ऑफ बोल्ट, उससे फर्स्ट लाइन ऑफ बोल्ट के बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो यही चीज यहां लिखी गई है, यही चीज यहां पे लिखी गई है। वो क्या लिखा गया, देखिए, इट इज द डिस्टेंस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोल्ट होल। यहाँ पे ये याद रखिए, बोल्ट होल को लेके हम बात कर रहे हैं, डी नोट को लेके हम बात कर रहे हैं, डाया बोल्ट के लेके रेस्पेक्ट में नहीं है, यानी कि बोल्ट टू बोल्ट का डाया लेके लेके बात नहीं कर रहे हैं, बोल्ट टू बोल्ट का लेके डाया लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं होल का डाया से, टू द एडजेसेंट एज ऑफ द मेंबर, राइट। तो ये हो जाएगा एज डिस्टेंस। सिमिलरली एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या होगा, एंड डिस्टेंस होगा, इट इज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल टू द एंड ऑफ एलिमेंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल टू द एंड ऑफ एलिमेंट। जहां पे मेंबर एंड हो रहा है उससे पहला लाइन ऑफ बोल्ट जो आप लगा रहे हैं उसके सेंटर से, बोल्ट होल के सेंटर से एंड ऑफ एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एंड डिस्टेंस होगा। और दोनों ही ई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लगभग लगभग बराबर ही देते हैं, दोनों बराबर ही देते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम एंड और एज लेंथ के बारे में अगर हम देखें तो मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस जो दिया जाता है, मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस जो दिया जाता है वो शैल नॉट लेस देन, लेस देन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसके दो अलग अलग क्राइटेरिया, दो अलग अलग क्राइटेरिया है। पहला कह रहा है कि 1.7 डी नोट, 1.7 डी नोट लोगे कब, 1.7 डी नोट लोगे कब, जब इन केस ऑफ सीएड कट और हैंड फ्लेम कट। सीएड कट और हैंड फ्लेम कट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में ये कोई एक प्लेट है, ये कोई एक प्लेट है, आपने इसको क्या किया, आपने इसको क्या किया, सीएड कट किया, आपने इसको सीएड कट किया, आपने इसको क्या किया, सीएड कट किया। तो जब आप सीएड कट या हैंड फ्लेम कट करते हो तो इसका सरफेस अनइवन हो जाता है, इसका सरफेस क्या हो जाता है, अनइवन हो जाता है। तो इस वाले के लिए आप जब यहाँ पे सेंटर ऑफ होल देखोगे तो ये जो डिस्टेंस दिया जाएगा, ये जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो डिस्टेंस दिया जाएगा 1.7 डी नोट, थोड़ा ज्यादा लेके, थोड़ा ज्यादा लेके। तो ये जो कंडीशन दिया गया उसके लिए दिया गया जब एंड क्या हो जाएगा, अनइवन हो रहा है।
दूसरा होगा 1.5D नोड, दूसरा हो जाएगा 1.5D नोड। तो 1.5D नोड कब हो रहा है? इन केस ऑफ रोल्ड मशीन कट और प्लेन एज, प्लेन एज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी ये प्लेट है, ये कोई एक प्लेट है जहां पे सरफेस क्या है, स्मूथ है, जहां पे सरफेस स्मूथ है, तो इसके लिए अगर आप देखते हो, इसके लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो एंड और एज डिस्टेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 1.5D नोड से। आगे समझ में, दोनों में जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दोनों में जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो कर रहा है सरफेस, एंड सरफेस। वो कौन कर रहा है? एंड सरफेस। अगर एंड सरफेस आपने परफेक्ट स्ट्रेट बना रखा है, स्मूथ बना रखा है, जैसे फैक्ट्री में बन के आया है, तब तो आप 1.5D नोट लेके बात करोगे। अगर आपने साइट पे कट किया है, लेब में कट किया है, लेकिन कटिंग आपने प्रॉपर सही नहीं की है, तब आप जो वैल्यू लोगे, तब आप वैल्यू लोगे 1.7D नोट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है, तब आपको ये वाला वैल्यू लेके चलना है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला जाता है तब आपको 1.5D नोट लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा मिनिमम एज और एंड लेंथ। दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम एज डिस्टेंस, मैक्सिमम एज डिस्टेंस। तो दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम एज डिस्टेंस, मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड ऑफ, ई मैक्स जो होता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 एप्सिलॉन से। किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 20 एप्सिलॉन से, जहां पे एप्सिलॉन दिया गया अंडर रूट 250 ओवर FY पे, ठीक है ना। ई मैक्स जो दिया गया, अब ई मैक्स जो दिया गया वो एज डिस्टेंस के लिए दिया गया है, और क्या कह रहा है, शुड नॉट एक्सीड 20 एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां पे एप्सिलॉन हो जाएगा अंडर रूट 250 ओवर FY। ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, एज के लिए क्या दे रखा है, वेयर द मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोजिव एनवायरमेंट, वेयर द मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोजिव एनवायरमेंट। कोरोजिव एनवायरमेंट का मतलब क्या है? कोरोजिव एनवायरमेंट का मतलब है ओपन स्ट्रक्चर एटमोस्फियर में, तब उस केस में ई मैक्स जो है, तब उस केस में ई मैक्स जो है शुड नॉट मोर देन 40 mm और 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? एवरीवन, एवरीवन, कोई डाउट और पूछिए, कोई डाउट और पूछिए यहां पे। चलिए, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक हमने जो भी पैरामीटर देखे वो सारे के सारे देखे स्ट्रक्चरल रिवेट के लिए, सारे के सारे पैरामीटर देखे हमने किसके लिए, स्ट्रक्चरल रिवेट के लिए। तो स्ट्रक्चरल रिवेट के लिए अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल रिवेट कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल रिवेट कौन से होते हैं। तो अगर आप इस ज्वाइंट को देख रहे हो, अगर आप इस ज्वाइंट को देख रहे हो, अगर आप इस देखिए क्या डाउट आ रहा है सर, एज और एंड डिस्टेंस का कटिंग से क्या मतलब है। अरे यार, हम एज और एंड डिस्टेंस जो देख रहे हैं वो एंड ऑफ एलिमेंट से, सरफेस से ही तो देख रहे हैं। अगर अब देखो यहाँ पे, अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा, अनइवन होगा, तो मैं इसकी डिस्टेंस कैसे कंफर्म कर पाऊंगा कि ये 1.5D नोट है, ये मैं कैसे कंफर्म कर पाऊंगा कि ये 1.5D नोट है। चीजों को समझो सही, अगर ये कुछ सरफेस ऐसे बनी हुई है
और अभी यहाँ पे स्मूथ बना हुआ है, तो स्मूथ बना तुम आराम से यहाँ पे मेजर कर सकते हो। अगर अनइवन रहता है तो तुम्हें इसको सेव भी तो करना है एज और एंड के अंदर, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा लेंथ लेके बात करते हो। अमन क्लियर है? चलिए तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, देखिए ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में क्या है, एक तरीके से जॉइंट बना हुआ है, सबको ये जॉइंट दिख रहा होगा, वेट करो ये जॉइंट सबको दिख रहा होगा क्लियरली, सबको क्लियरली जॉइंट दिख रहा होगा। तो अभी तक हमने जो भी बात की है, वो बात की है इन रिवेट के लिए, ये जो रिवेट लगे हैं, ये रिवेट कहलाते हैं स्ट्रक्चरल रिवेट, दीज आर द स्ट्रक्चरल रिवेट, ये रिवेट जो लगे हैं वो स्ट्रक्चरल रिवेट हैं। इधर जो ये रिवेट आपको दिख रहा है एक या दो या तीन जो भी हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं स्ट्रक्चरल रिवेट। और ये जो प्लेट लगी है बीच में, ये जो प्लेट लगा है इसको बोलते हैं गजेट प्लेट, ये कहलाती है गजेट प्लेट, राइट? ये गजेट प्लेट है, एक ही प्लेट है, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चरल रिवेट है जो रेड कलर में शो किए गए। तो स्ट्रक्चरल रिवेट का मकसद, स्ट्रक्चरल रिवेट का मतलब क्या है? तो अगर मान लो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को शो कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट के अंदर में ओनली इसी मेंबर को लगा रहा हूँ, इसी मेंबर को शो कर रहा हूँ और ये गजेट प्लेट लेके शो कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसी को लेके शो करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मैंने गजेट प्लेट बना दी कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, राइट? और इसके अंदर मैंने एंगल सेक्शन लगा दिया, That is angle section. अब समझो इधर, अब सब लोग इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ जो रिवेट लगाए, ये रिवेट कहलाते हैं स्ट्रक्चरल रिवेट। ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल रिवेट। और स्ट्रक्चरल रिवेट का पर्पज क्या होता है, इनका पर्पज होता है टू ट्रांसफर द लोड, लोड को ट्रांसफर करना इनका मकसद होता है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है ना? तो अलग अलग फोर्स के लिए, अगर यहाँ पे स्टीफ फोर्स लग रहा है तो स्टीफ फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए आपने स्ट्रक्चरल रिवेट लगा दिए। तो जिस मेंबर पे जितना फोर्स आ रहा है उस मेंबर पे फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या किया, अलग अलग रिवेट लगा दिए। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं वापस आता हूँ। तो मेरे पास में क्या हुआ, ऐसा कुछ सेक्शन बना, ये स्ट्रक्चरल रिवेट लगा दिए। अब अगर हम इसमें देखें मान लो इस पे जो फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो कंप्रेशन फोर्स लगने से क्या होगा कि जब ये मेंबर कनेक्शन किया हुआ ओनली टॉप और बॉटम पे, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाँ अगर आप इस कनेक्शन को देखो, इस कनेक्शन में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि भाई जब इसके ऊपर मान लो इस मेंबर में कंप्रेशन लग रहा है, तो कनेक्शन जो किया गया वो कहाँ किया गया, टॉप और बॉटम पे कनेक्शन किया गया है, राइट? लेकिन जब कंप्रेशन अगर लगता है तो मेंबर क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिवेट लगे हैं, जब कंप्रेशन लगेगा तो ये मेंबर क्या हो सकता है, ऐसे स्प्लिट हो सकता है, दो पार्ट में क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। तो इस स्प्लिटिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में स्टिचिंग कर देंगे। तो जो बीच में रिवेट लगते हैं, तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हैं,
तो अगर आप इस डायग्राम को यहाँ पे अगर अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसके अंदर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये जो रिबेट लगा है, ये जो रिबेट लगा है इसके अंदर देखिए, ये जो रिबेट लगा हुआ है कौन सा वाला, ये वाला जो रिबेट लगा है, ये वाला जो रिबेट लगा है, इस रिबेट को बोला जाता है स्टेकिंग रिबेट या स्टिच रिबेट। ये जो रिबेट लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिच रिबेट। ये क्यों लगाया गया, ये क्यों लगाया गया, क्योंकि जैसे मान लो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, मान लो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो इस पी फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमने यहाँ रिबेट लगा दिए, हमने यहाँ रिबेट लगा दिए। लेकिन फोर्स कंप्रेशन अगर लग रहा है तो ये मेंबर क्या हो सकता है, बीच में से दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है, दो पार्ट में क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। तो स्प्लिटिंग को रोकने के लिए, उस स्प्लिटिंग को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये दो रिबेट लगा दिए। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमने क्या किया, दो रिबेट लगा दिए, दो रिबेट लगा दिए। इनको बोला जाता है टेकिंग रिबेट, इनको बोला जाता है टेकिंग रिबेट, ये कहलाते हैं टेकिंग रिबेट, ये कहलाते हैं टेकिंग रिबेट। तो टेकिंग रिबेट का पर्पज क्या हो गया, टेकिंग रिबेट का पर्पज हो गया कि ये दो मेंबर को सिंगल यूनिट में बनाए रखता है। ये क्या हो गया, दो मेंबर को सिंगल यूनिट में बनाए रखता है, ये किसी भी तरह का लोड वो ट्रांसफर नहीं करता है। लोड ट्रांसफर करने के लिए, लोड ट्रांसफर करने के लिए आपने इस एंड पे, यहाँ पे इस एंड में यहाँ पे आपने रिबेट लगा सके, जिसको स्ट्रक्चरल रिबेट बोलते हैं, और दूसरे एंड पे, दूसरे एंड पे आपने फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे रिबेट लगा रखे हैं, जिसको स्ट्रक्चरल रिबेट बोलते हैं। ये है फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे जो दिया गया बीच के अंदर, यहाँ पे जो ये रिबेट दिए गए हैं, ये रिबेट दिए गए हैं किसके लिए, ये रिबेट दिए गए मेंबर को, दो मेंबर को सिंगल यूनिट में बनाए रखने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द, दैट इज कॉल्ड द टेकिंग रिबेट। तो टेकिंग रिबेट जो लगेंगे, टेकिंग रिबेट जो लगेंगे वो लगेंगे यहाँ कहीं, आफ्टर द कनेक्शन, आफ्टर द कनेक्शन। तो ये कहलाते हैं तुम्हारे पास में टेकिंग रिबेट। ये क्या कहलाए जाएंगे, ये कहलाए जाएंगे टेकिंग रिबेट, टेकिंग रिबेट, टेकिंग रिबेट। तो टेकिंग रिबेट का पर्पज क्या होता है, टेकिंग रिबेट का पर्पज होता है, पर्पज होता है टू होल्ड द मेंबर ऑन इट्स पोजिशन, टू होल्ड द मेंबर, मेंबर ऑन इट्स पोजिशन, ऑन इट्स पोजिशन। दूसरा, इट डज नॉट ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ द फोर्स, मैं दूसरे को इधर लिख रहा हूं, इट डज नॉट ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ फोर्स, ये किसी भी तरह का फोर्स ट्रांसफर नहीं करता है। इनका मकसद क्या हो गया, एक मेंबर में होल्ड करके रखना। तो अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, तो यहाँ पे जो रिवेट लगेगा, यहाँ पे जो रिवेट लगेगा वो लगेगा स्ट्रक्चरल रिवेट, यहाँ पे लगेगा स्ट्रक्चरल रिवेट, और यहाँ जो लगेगा, यहाँ जो लगेगा वो लगेगा टेकिंग रिवेट। यहाँ पे जो लगेगा क्या लगेगा, टेकिंग रिवेट, ये हो जाएगा टेकिंग रिवेट, ये हो जाएगा टेकिंग रिवेट। और ये जो लग रहा है, ये जो लग रहा है, देखो डायग्राम में भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये जो लग रहा है ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल रिवेट, स्ट्रक्चरल रिबेट, ठीक है ना। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और डायग्राम को पढ़ना भी आना चाहिए, जो फिगर बना उसको भी पढ़ना आना चाहिए। तो अब जो है, यानी कि तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेकिंग और स्टिच रिबेट, ये हो जाएगा टेकिंग और स्टिच रिबेट। ठीक है ना, तो तुम्हारा हेडिंग क्या हो जाएगा इसके अंदर, टेकिंग और स्टिच रिवेट, राइट। टेकिंग और स्टिच रिवेट के लिए कंडीशन दिया गया है, टेकिंग रिवेट शुड बी प्रोवाइडेड एट ए पिच, यानी कि दो टेकिंग रिवेट के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है। इफ प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर, अगर एक्सपोज है वेदर के अंदर, तो कंडीशन हो जाएगा मैक्सिमम पिच शुड नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 32T और 300 mm, 32T और 300 mm। अगर एक्सपोज नहीं है, अगर एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज नहीं है, तब तो
और अगर मेंबर एक्सपोज हैं तो 63 और 200 mm से ज्यादा नहीं होगा। अगर मेंबर टेंशन मेंबर हैं तो 1000 mm से ज्यादा नहीं होगा, शुड नॉट मोर देन 1000 mm। और अगर कंप्रेशन मेंबर हैं तो यहाँ पे 600 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 600 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगे, प्रोविजंस हो जाएंगे जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो बताइए, और टर्मिनोलॉजी पोर्शन हम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं सारे पॉइंट को हम लोग जो है क्लास के अंदर यूज करते रहेंगे, राइट। कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी, कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनी वन ऑफ यू। टेंशन में वैल्यू ज्यादा क्यों, कंप्रेशन में कम क्यों, इसका आंसर हम लोग कंसेप्ट क्लियरली हम लोग जब हमने टेंशन और मेंबर के लिए वहां पे वैल्यू देखा था तब भी आपको बता दिया था। टेंशन मेंबर में ज्यादा इसलिए दे सकते हैं क्योंकि बकलिंग वाला चांसेस नहीं होगा, लेकिन कंप्रेशन मेंबर में कम इसलिए दिया गया क्योंकि दो बोल्ट के बीच में जो पोर्शन रखा है कहीं वो बकल ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे कम रखा गया और यहाँ पे ज्यादा रखा गया लोकल बकलिंग को रोकने के लिए। खरीद क्लियर टू ऑल। चलिए, सो नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा अजम्पशन फॉर बियरिंग टाइप कनेक्शन। सो ये जो है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अगेन अगर आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है, सिस्टमेटिक करना है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करना है जो कि एग्जाम की डिमांड है, तब आप लोग प्लस पे आइए और इस कोड को यूज करिए BL20।